भाई की पिक्चर का रिव्यू। As I've said earlier, भाई की पिक्चर को हम रिव्यू नहीं करते, भाई की पिक्चर हमें रिव्यू करती है। It starts questioning your sanity, your logical reasoning and your very existence. आप जैसे उस पिक्चर को देखते हैं, आप अपने आप को पूछने लगते हैं कि मैं जिंदा क्यों हूं, मेरा वजूद क्या है, मैं क्यों इस पिक्चर को देखने गया था। और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए मैं थिएटर गया, और थिएटर में क्या देखता हूं, लोग थिएटर से भागते हुए बाहर आ रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ दे हैव स्टार्टेड अ रेस, रेस 4 प्रोबेबली, फ्रॉम द गेट्स ऑफ द थिएटर। पब्लिक दौड़ते हुए बाहर आ रहा था पिक्चर की थिएटर से, और मैंने एक को पकड़ लिया और उसको पूछा, भाई क्या हुआ, हुआ क्या बताना। तो उसने ये कहा, पिक्चर हो गई है ये पूरिया, दबा के रखी इसमें सोफरे बिया, ऐलान है जख्मी जिगर का, देखूंगा ना पिक्चर साले रेमो का, बकवास है डायलॉग, फालतू है एक्टिंग, हर मर्तबा 100 दफा लॉजिक को किया तबा, बचा अल्लाह बचा, मेरा पैसा छीना है अल्लाह दुहाई है, फिर जा पे आई है अब तो तबाही है, हाँ तेरे पिक्चर में अल्लाह दुहाई है, फिर जा पे आई है अब तो तबाही है, भाई तेरे पिक्चर में। और वो टू डू 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 जब कर रहा था तो उसको एक लात पड़ी, और एक 10 जन का गैंग था, वो बोलता भाई की पिक्चर को ऐसे बोलते हो, लात मार के भगा दिया उसको। तो मैंने उनको पूछ लिया, भाई आपको कैसे लगी, तो उन्होंने ये कहा, अरे फालतू लोग का सुनने का नहीं, क्या भाई की पिक्चर है, भाई की पिक्चर, ये सारे सूडो इंटेलेक्चुअल के मसूड़े पे ना कीड़े लग गए, कीड़े लॉजिक ढूंढने आए हैं। अरे भाई की पिक्चर में कोई लॉजिक ढूंढता है क्या, इतना कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, कौन किसको डबल क्रॉस कर रहा है पता ही नहीं चलता है, सलमान जैकलिन को कि जैकलिन बॉबी को, कि बॉबी साकिब को, कि साकिब डेजी को, कि डेजी अनिल कपूर को, कि अनिल कपूर सलमान को, कि डायरेक्टर ऑडियंस को, पता ही नहीं चलता, इतना सॉलिड प्लॉट है, इंसेप्शन का बाप है ये फिल्म। अरे क्रिस्टोफर नोलन को अगर दिखाया ना तो कंफ्यूज ही आ जाएगा कि सोचू कहाँ से और पादू कहाँ से, माइंड ब्लास्टिंग अमेजिंग प्लॉट है, इसको समझेगा भी नहीं, ये भाई की पिक्चर, ये। तो देखा आपने, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू द स्टोरी, एंड वेदर यू गेट रन डाउन बाय एन एसयूवी ऑन अ फुटपाथ clearly depends on which side of the road you are on. मैं तो कफन बांध के ही निकला था, तो मैं बता दूं कि this is probably the worst film Salman has done in a long, long, long time. In fact, Tube Light seems like an Academy Award-winning film in front of this film. This is that bad. Horrible story, extremely bad acting all round, amateurish direction. And I sincerely hope, Remo, you should leave direction and just concentrate on your dancing, because you've made a very, very bad film. It is so bad, it is shameful. And you know what? Even a great actor like Anil Kapoor is made to look like a joker because of him. I know that when you talk about race franchise, this is what you should expect, right? Illogical stuff. But even Abbas Mastan seemed like Coen brothers in front of this Remo. It should not have been called Race 3. It should have been called Disgrace 3. It is so bad. Please don't go to watch this film. And my rating for this film is a golden anda out of 5. Yes, a mammoth anda.